महादेव का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां आज तक कोई भी सबसे पहले पूजा नहीं कर सका। कोई अनजान शक्ति रात में ही आकर कर जाती है इस शिवलिंग की पूजा। और यह शिवलिंग भी कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो शिवलिंग है जिनकी पूजा करने के लिए ही स्वर्ग से लाया गया था परिजात का वृक्ष, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2020 ये वो तारीख है जो इतिहास में दर्ज हो गई, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन में खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने मंदिर के प्रांगण में पारिजात का वृक्ष लगाया। तो आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ पारिजात वृक्ष की खासियत जानेंगे, बल्कि मैं आपको लेकर चल रहा उस सबसे प्राचीन पारिजात वृक्ष के दर्शन करवाने के लिए जिसका भारत में पौराणिक महत्व सर्वाधिक है, किंतुर गांव का कुंतेश्वर महादेव मंदिर अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मौजूद है। माना जाता है कि यहां के शिवलिंग की कोई अदृश्य शक्ति रात 12 बजे के आसपास सर्वप्रथम पूजा कर जाती है, जिसके चलते यहां के शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करने की ख्वाहिश किसी की पूरा ना हो सकी, और यह रहस्य इस मंदिर को खास बनाती है। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि आखिर कौन वो अनजान शक्ति है जो रात के अंधकार में शिवलिंग की पूजा कर जाती। माना जाता है कि किंतुर गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा है। जब धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को अज्ञात वास दिया, तब पांडवों अपनी माता कुंती के साथ यहां के वनों में निवास किया था। इसी दौरान पांडवों ने माता कुंती के लिए यहां कुंतेश्वर महादेव की स्थापना की थी। माता कुंती हर दिन यहां पारिजात के पुष्पों से अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करती थी। कहते हैं कि माता कुंती यहां भगवान शिव की आराधना में ऐसी रमी, महाभारत युद्ध के बाद अपनी आयु पूरी कर जब उन्होंने देह का त्याग किया तो उनकी आत्मा के जिस अंश में कुंतेश्वर महादेव बसे थे वह स्वतः ही इस मंदिर में आ गया। मान्यता है कि इस मंदिर में आज भी माता कुंती सूक्ष्म रूप में विराजमान है और हर रात अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करती है। लेकिन आखिर कैसे हुई यहाँ कुंतेश्वर महादेव की स्थापना? महाभारत काल में माता कुंती अज्ञात वास के दौरान अपने पुत्रों के साथ यहाँ आई तो उन्होंने भीम से यहाँ शिवलिंग स्थापित करने को कहा। तब भीम पर्वतमालाओं से शिवलिंग लेकर आए और यहाँ स्थापित कर दिए। तब माँ कुंती की इच्छा हुई कि पारिजात के पुष्पों से ही शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन पारिजात का वृक्ष तो स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के वाटिका में शोभायमान था, तो यहाँ से यह वृक्ष धरती पर कैसे आया? मान्यता अनुसार यह दिव्य वृक्ष स्वर्ग लोक से यहाँ लाया गया। धरती पर इस वृक्ष की आयु लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी है। इसकी ऊंचाई से भी ज्यादा इसके तने का परिमाप है। इस वृक्ष की ऊंचाई लगभग 45 फीट तथा तने का परिमाप लगभग 50 फीट है। पारिजात के पुष्प सफेद रंग के और छोटे होते हैं। सूखने पर यह फूल सुनहरे रंग का हो जाता है और जो केवल रात में ही खिलते और सुबह होते ही अपने आप गिर जाते हैं। पारिजात के फूलों से हर यानी भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है और यही कारण है कि इसे हर श्रृंगार भी कहते हैं। तो कैसी लगी आज की यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।